This is your fifth video of trigonometry, and in this video we will solve all the different type of question which is based on trigonometric identities. Trigonometry के fourth video में हमने trigonometric identities के बारे में पढ़ा था detailed में कि formula कहाँ से आया, formula कहाँ valid है, कहाँ valid नहीं है, और अलग अलग type के question भी किए थे. इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पिछले 10 या 15 साल में पूछे हुए, ठीक है. तो इसमें हम 12-14 डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और टेन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा को आपको sec थीटा cosec थीटा प्लस cot थीटा के बराबर प्रूव करना है. इसमें थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन होंगे, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं. सबसे पहले उठाते हैं LHS, ठीक है. आपको सबसे टफेस्ट साइड से पिकअप करना होता है sin थीटा 1 माइनस cos थीटा और tan थीटा 1 प्लस cot थीटा. सबसे पहले स्टेप क्या करते हैं कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है. तो हम क्या करते हैं कि LCM ले लेते हैं, ठीक है. हमने LCM लिया तो ये क्या, ये आ गया 1 माइनस cos थीटा और ये हमारा क्या आ गया 1 प्लस cos थीटा, ओके. इसके बाद 1 प्लस cos थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां आ जाएगा साइन थीटा और यहां आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ओके. प्लस टेन थीटा और टेन थीटा से क्या मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है. कितना होगा अब इसको ध्यान से देखिए. अब हम अगला स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप क्वेश्चन से ये सब आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा. अब हम दोनों एलसीएम को इस पूरे इक्वेशन को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं. चाहे पहले अच्छा इसमें चीज और देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलकर नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है. और ऊपर हमारा सेम ही है, ऊपर हमारा क्या है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ओके. और प्लस ये हमारा क्या टेन थीटा और यहां पर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, ओके स्टूडेंट्स. अब एक चीज का ध्यान रखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा के बराबर होता है. तो उसको आप अगले स्टेप में लिखना है, इसको मैं यहीं मिटा के लिख रहा साइन स्क्वायर थीटा. एग्जाम में आपको एक स्टेप और लिख के साइन स्क्वायर थीटा लिखना था. 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने किसके बराबर लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, ओके. अब देखिए अब मैं क्या करता हूं कि इसको ये एक टर्म है, इसको मैं फ्रैक्शन के टर्म में तोड़ पाऊं, दो अलग टर्म में तोड़ पाऊं. जब बीच में प्लस साइन वहां से टूटता है तो पहला टर्म ये हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ओके. प्लस ये हमारा हो जाएगा टेन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर. अब एक चीज देखिए, आप टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, चाहे ये साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन थीटा से साइन का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन थीटा और साइन थीटा, तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा. तो हमारा बचेगा क्या, जब इन दोनों कैंसिल कराएंगे ऊपर बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन में हमारा हो जाएगा साइन थीटा. देखिए इस टर्म को मैंने एक जगह सॉल्व किया, टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ साइन थीटा और इसका अपॉन में कॉस थीटा नीचे आ जाएगा. tan थीटा sin थीटा cos थीटा होता है, नीचे एक और टर्म है वो है sin स्क्वायर थीटा और यहां पे क्या टर्म है हमारा 1 माइनस cos थीटा और ये मल्टीप्लाई है. अब sin थीटा से sin स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच जाएगा sin थीटा. अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस साइड. अब देखिए अगला स्टेप क्या कीजिए, सभी टर्म को फिर सिंगल सिंगल टर्म में प्रूव कर लीजिए. क्यों, क्योंकि यहां भी कोई डिनोमिनेटर का टर्म नहीं है, ठीक है. तो सभी टर्म को हम सिंगल सिंगल टर्म में करने की कोशिश कर रहे हैं. इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए इस टर्म को मैं क्या लिख रहा हूं, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कि हमारा क्या होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके स्टूडेंट. पहले 1 अपॉन साइन थीटा लिखे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस प्लस में हमारा यहां पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन नीचे क्या है cos थीटा sin स्क्वायर थीटा था तो sin से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया था तो नीचे बच जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन sin थीटा डॉट cos थीटा और फिर यहां क्या बच जाएगा ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाइए ये हो जाएगा cos थीटा और ये हमारा हो जाएगा cos थीटा डॉट sin
हमने कुछ नहीं किया, बस इसे सभी एक्सप्रेशन को अलग अलग लिख दिया। सब इसे अलग अलग लिखना है, ये प्रैक्टिस की चीज है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इस cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या, 1 / sin थीटा बचेगा, यहां प्लस में 1 / sin थीटा और यहां माइनस में 1 / sin थीटा, इससे ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका मैं अगला स्टेप में इसको ऊपर लिख रहा हूं। अब यहां पे क्या बचेगा, cos थीटा / sin थीटा, ये आपका होता है cot थीटा, और 1 / sin थीटा / cos थीटा, sin थीटा ऊपर जाएगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, cosec थीटा में, और cos थीटा ऊपर जाएगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, sec थीटा में। तो किसमें, और ये आपको प्रूव करना था, cot थीटा + sec थीटा cosec थीटा, ठीक है, और ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा r के इक्वल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें tan थीटा - cot थीटा sin थीटा डॉट cos थीटा, इसको sec स्क्वायर थीटा - cos स्क्वायर थीटा के इक्वल प्रूव करना है, और फिर tan स्क्वायर थीटा और - cot स्क्वायर थीटा के इक्वल प्रूव करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। सबसे पहले LHS को कीजिए पिकअप, LHS, ठीक है। जब आपको कोई भी क्लू ना मिलेगी आगे क्या करना, जब ये मालूम ही ना रहे, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इस टर्म को लिखिए टेन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा में लिख दिया अलग अलग, फिर माइनस हमारा हो जाएगा कॉट थीटा, और हमारा टर्म क्या हो जाएगा, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा टर्म हो गया। अब tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा, और नीचे आ जाएगा इसका cos थीटा। ध्यान रखिएगा ये मैं tan थीटा ही लिखा, लेकिन नीचे दो और टर्म भी, ये sin थीटा बन cos थीटा, tan थीटा हो गया, लेकिन तो cos थीटा हमने नीचे रख दिया, लेकिन नीचे दो और भी टर्म प्रेजेंट थे। एक टर्म जो आपका प्रेजेंट था वो था sin थीटा, और दूसरा टर्म आपका प्रेजेंट था cos थीटा, ठीक है। इसमें से फिर माइनस cot थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cos थीटा माइनस sin थीटा, और साथ में दो और टर्म प्रेजेंट है नीचे, sin थीटा डॉट cos थीटा। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक किसी को डाउट। अब इसके बाद देखिए, इस cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल हो गया, इस sin थीटा से ये sin थीटा कैंसिल हो गया, बचा रहा है यहां पे बच रहा है 1 / cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा cos cos थीटा, तो ऊपर 1 ही बचा, नीचे sin थीटा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारे टर्म आ गए 1 / cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 / sin स्क्वायर थीटा। 1 / cos थीटा क्या होता है, sin आपका sec थीटा होता है, आपको पता है कि 1 / cos थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है। अब इस टर्म को चाहे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होगा, और cos स्क्वायर थीटा था तो हमने स्क्वायर बाहर लिया, यहां भी स्क्वायर बाहर ले लिया, तो 1 का स्क्वायर 1 ही, और sin थीटा का स्क्वायर में इसको बाहर लिया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखिए, 1 / cos थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है, और स्क्वायर हमारा यहां ऊपर sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 / sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है, और यहां पे हमारा स्क्वायर ऊपर है तो यहां स्क्वायर है। तो पहला प्रूविंग स्टूडेंट्स हो गया sec स्क्वायर थीटा - cos स्क्वायर थीटा। अब सेकंड प्रूविंग में देखिए, इसको प्रूव करना है tan स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा के बराबर। तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो sec को sec स्क्वायर को tan स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, और cosec स्क्वायर को भी cot स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम इसको प्रूव करते हैं। एक ही तो मालूम है sec स्क्वायर क्या होता है, पहला हमारा आंसर ये आ गया, sec स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 + tan स्क्वायर, और दूसरा हमारा क्या है, cosec स्क्वायर थीटा होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। कंफ्यूज मत होइएगा, c मतलब cot, c मतलब cosec, ठीक है। अब अगर यहां से ब्रैकेट हम हटाते हैं तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 - cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस माइनस 1 से ये प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस का और cot स्क्वायर थीटा माइनस का। तो जो उसके बाद जो यहां पे आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, और जो हमें प्रूफ करना था हम लिख देंगे हेंस, ठीक है। तो हमारा सेकंड प्रूविंग हो गया। ओके स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो नाउ स्टूडेंट, दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा और 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा को आपको 2 के इक्वल प्रूव करना है. ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम LHS से पिकअप करते हैं. LHS से, LHS में क्या है, ये हमारा दे रखा है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा और ये 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, ठीक है. LHS में ये गिवन है. अब यहां पे हम करेंगे क्या, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब हमें यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू या केवल नंबर हो तो एक सबसे आसान तरीका होता है कि सभी को साइन कॉस में करवाना है, ठीक है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वन तो यहाँ पे है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक थीटा क्या होता है, वन अपॉन साइन थीटा, ठीक है. ये टर्म हमारा आगे ये फिर सेकेंड टर्म में भी इतने वही तरह सबको साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर, वन प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा जो कि tan का वैल्यू हो जाएगा, और sec थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos थीटा, ये हमारा वैल्यू आ गया. ओके, अब हम इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो ये नीचे हमारा आ जाएगा sin थीटा आ जाएगा, LCM यहां पे sin थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा sin थीटा, यहां कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसके नीचे sin थीटा था है, cos थीटा माइनस 1, पहला टर्म हमारा ये आ जाएगा. सेकेंड टर्म हमारा क्या क्या आ जाएगा कि इसी को ये तो पूरा मल्टीप्लाई में इसके साथ, अब यहां नीचे क्या है cos थीटा, इसका एलसीएम cos थीटा आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1. अब आप इसमें एक चीज ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने वाले बात यहां पे sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 है और यहां sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1. अगर इन दोनों टर्म को हम ए मान लें, sin theta cos theta plus cos theta लिखिए या cos theta plus sin theta लिखिए, दो चीज को आप आगे पीछे करके जो या पीछे आगे करके जो आंसर से मान लेते हैं, ठीक है. तो sin theta plus cos theta को आप पहला टर्म मान लें a और इसको आप b मान लें, तो यहां क्या बन रहा है a minus b और यहां a plus b, ठीक है. तो ये क्या बन जाएगा, a plus b और a minus b क्या होता है, ये होता है a square, तो a तो हमारा sin theta minus cos theta, sin theta plus cos theta, तो ये हो जाएगा sin theta plus cos theta, इसका हमारा होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हमारा वन का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा डॉट कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा, नीचे हमारा आ जाएगा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा. एक चीज आपको मालूम है, वन का स्क्वायर क्या होता है, वन ही होता है. जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा, और यहाँ प्लस का साइन है तो ये कॉस थीटा, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस वन हो जाएगा. अब ये नीचे हमारा बचेगा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा. आपको एक चीज तो मालूम है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, ठीक है. तो इस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से ये वन कैंसिल हो जाएगा, इसको अगले स्टेप में लिख दे रहा हूं. यहां पर क्या बचेगा, वन प्लस 2 sin theta dot cos theta minus 1. 1 हमने इस sin theta cos theta को ऐसे लिखा है और नीचे हो जाएगा sin theta dot cos theta, ठीक है. अब 1 minus 1 ये कुल मिला कितना हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा 0, ठीक है. 2 sin theta cos theta से नीचे का 2 sin theta cos theta कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 और जो कि इस सॉरी 2 आ जाएगा जो इसके इक्वल है, RHS के इक्वल है, हेंस ट्रू. ओके स्टूडेंट, पॉजिटिव नोट. Now student, this is your fourth question और इस question में आपको ये proving करना है, ठीक है. Question तो आपको काफी बड़ा लग रहा होगा लेकिन ये question बहुत ही आसान है अगर आपकी practice हो तो. देखिएगा इस question में क्या है, इस question को करने से पहले मैं आपको एक formula बता रहा हूँ. आपने एक चीज तो पढ़ा है कि cot square theta plus 1 की value किसके बराबर होती है, ये value होती है sec square theta, sorry cosec square theta के बराबर, ठीक है. ये तो आपने पढ़ा है. अब cot स्क्वायर थीटा को हम यहां उठा के लेना, जो फर्स्ट इसे देखने से पहले फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा इसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फोर्थ नंबर वीडियो, इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि आपको बहुत बेसिक्स मिलेगा इसका, ये होता है, ठीक है. इसको हम क्या लिखते थे, और cosec थीटा माइनस cot थीटा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया और ये बनता था cosec थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है, पर इसका वैल्यू हो जाता था 1, ठीक है. अब किसी एक टर्म को उठा के नीचे ले जाइए, cosec थीटा माइनस cot थीटा,
उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, कोसेक थीटा, मतलब इसको नीचे भेज देंगे तो आप इस चीज को ध्यान से देखिए, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो इसका वैल्यू होता था जो होता था 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, ये हमारा वैल्यू होता था। अब हम इस क्वेश्चन को एलजेब्रा से प्रूव करने जा रहे हैं, इसका ध्यान से देखिए, ठीक है। आपको इन्हीं तीन फॉर्मूले में जो इसके प्रीवियस वीडियो में जो जितनी चीजें बताई थी सारा फॉर्मूला वही, ये डेरिवेशन वही का है, ठीक है। 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो आपको पता है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको इधर ले जाइए इसको इधर ले आइए, तो 1 अपॉन कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा क्या हो जाएगा, ये जो आपका वैल्यू हो जाएगा ये कंप्लीट वैल्यू ये हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये वैल्यू कहां से है, यहां से देख सकते हैं, और नीचे है अपॉन में 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, ठीक है, माइनस कोसेक थीटा से प्लस कोसेक थीटा कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा कॉट थीटा। अब ये तो आपका एलएचएस कॉट थीटा है, लेकिन हमें प्रूफ तो ये करना था, अब ये कैसे प्रूफ होगा, एक और तरीका होता है कि जब एलएचएस ज्यादा सिंपलीफाई हो जाए तो एलएचएस और आरएचएस दोनों को सॉल्व करें और दोनों का सॉल्यूशन को इक्वल कर दे, तो एलएचएस का सॉल्यूशन हमारा ये आ गया, हम आरएचएस सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आरएचएस यहां पे चेक कीजिएगा 1 अपॉन sin थीटा, इसको हम क्या ले सकते हैं cosec थीटा और माइनस है, और 1 अपॉन cosec थीटा अपॉन cot थीटा क्या होता है cosec थीटा माइनस cot थीटा होता है, तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा cosec थीटा माइनस cot थीटा, ठीक है, इससे मैं इधर ले लूं, ठीक है। अब इसमें से इस टर्म को माइनस कीजिए, ये प्लस का साइन है और बाहर माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, अंदर भी आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये अंदर माइनस का साइन है बाहर प्लस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का साइन हो जाएगा, ब्रैकेट जैसे यहां आएंगे ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्लस में, तो कोसेक थीटा से ये कोसेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट थीटा, ये आपका बन गया इक्वेशन। अगर इन दोनों इक्वेशन से देखें तो एलएचएस की वैल्यू कॉट थीटा, आरएचएस की वैल्यू कॉट थीटा, यहां से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड जो एलएचएस है किसके इक्वल है, आरएचएस के इक्वल है, एंड हेंस दिस इज ट्रू। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, और इस क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है cos a 1 / tan a sin a 1 / cot a इक्वल टू कॉस ए साइन, इस साइड से कॉस और साइन का टर्म है, तो इस सभी टर्म को आर बंद करके आप कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या हो गया एलएचएस, एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब सारे टर्म कॉस, जब वो कुछ भी नहीं समझ में आए आराम से सभी टर्म को साइन और कॉस में कन्वर्ट करिए, तो ये नीचे क्या हो जाएगा, देखिए नीचे हो जाएगा 1 - tan, tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक है। अब यहां पर क्या बचा प्लस, ये तो है साइन ऊपर, और नीचे देखिए क्या क्या होगा 1 - cot a, cot a क्या होता है cos a अपॉन साइन, ठीक है। अब अगर हम साइन a का एक कंप्लीट एलसीएम ले, तो हम अगर हम इसका कंप्लीट एलसीएम ले यहां पर, ठीक है, जब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में कर दे रहा, ये हमारा हो जाएगा cos a, ठीक है, और इसका अगर पूरा एलसीएम ले तो ये हमारा हो जाएगा cos a और ये हो जाएगा cos a माइनस sin, ठीक है, प्लस ये यहां पे क्या हो जाएगा sin a, आप यहां एलसीएम ले sin a इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा sin a माइनस cos a, ठीक है, और यहां पे क्या बचेगा sin a, ठीक है। इस sin a को जब आप ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा sin a * sin हो जाएगा, sin स्क्वायर a में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको मैं लिख दे साइन स्क्वायर, इसी तरह इस कॉस ए को ऊपर भेजेंगे तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको कॉस ए डॉट कॉस ए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, इतना आ गया। अब यहाँ पे एक चीज आपको और सीखना है, वो क्या सीखना है, जब भी दो टर्म हो एलसीएम में ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है ये और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए, ठीक है, ये सब प्रैक्टिस की चीज है। यहां पर आप क्या कीजिए कि यहाँ पे इन दोनों टर्म को सेम बना लीजिए, इन दोनों टर्म को, लेकिन इन दोनों टर्म में नम आपका रेशियो तो सेम है दोनों में, कॉस ए साइन ए साइन ए कॉस ए रेशियो सेम है, लेकिन साइन रिवर्स है, कॉस ए क्या है यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, या साइन ए क्या है माइनस है तो यहाँ प्लस है,
अगर ये दोनों रेशियो सेम होता, अगर दोनों का साइन भी सेम होता तब तो हम इसका एलसीएम ले लेते, लेकिन साइन तो अलग है, तो हम इस केस में क्या करते हैं कि साइन को चेंज करते हैं। साइन को कैसे चेंज करेंगे देखिएगा, इस चीज को आप ध्यान समझिएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एन और नीचे क्या है कॉस एन माइनस साइन, ओके, और फिर यहां पे हम क्या करेंगे प्लस है, तो प्लस, अब प्लस को कुछ इस तरीके से ब्रेक कीजिए, यहां पे आप माइनस ले लीजिए और फिर ब्रैकेट के अंदर आप माइनस ले लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है और यहां पे आपका आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, ओके। देखिए टर्म आपका सेम ही है, साइन प्लस और माइनस से माइनस मिलते ये प्लस हो जाएगा, लेकिन हमने इस प्लस को दो भाग में ब्रेक कर दिया। अब हमें क्या करना है कि इस साइन को आप नीचे लेके चले जाइए, तो इस साइन को आप जैसे ही आप नीचे लेके जाएंगे साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो ये प्लस का साइन था या प्लस का साइन था तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां माइनस का साइन था तो ये प्लस में कन्वर्ट, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का साइन नीचे लेके गया। अब क्या आया जरा इसको देखिएगा, ऊपर आपका आ गया कॉस स्क्वायर ए और नीचे इस साइड से निकला कॉस ए माइनस साइन ए, लेकिन यहां पर देखिए यहां पर क्या बदल गया, तो माइनस का साइन हो गया साइन स्क्वायर ए और ये आपका हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन, माइनस लेने का फायदा क्या होगा नीचे की ये दोनों टर्म सेम हो गए सेम साइन। अब आप इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, अब मैं इसको यहां पे कर रहा हूं सॉल्व, इन दोनों का मैं एलसीएम ले लूं तो क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है, तो आप इसे क्या कीजिए कि ब्रेक कीजिए, तो ये कन्वर्ट होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी साइन, ठीक है, और नीचे क्या बचेगा कॉस ए माइनस साइन, ठीक है। अब आप इसको क्या कीजिए कि इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, बस आपके पास क्या जाएगा कॉस ए प्लस साइन, ओके स्टूडेंट, जो कि मैं प्रूव कर रहा था कॉस ए प्लस साइन में, तो हम देख सकते हैं एलसीएम किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के इक्वल आ गया एच टू। इस क्वेश्चन में एक ही चीज आपको याद रखना है कि जब ये दोनों टर्म सेम होने की दोनों का साइन अलग अलग हो, तो उस केस में साइन सेम बनाने के लिए हम यहाँ पे साइन का मॉडिफिकेशन करते हैं, यहाँ अगर प्लस है तो प्लस है तो आप क्या कर सकते हैं माइनस और माइनस ये दो मिलकर आपका प्लस बन गया, अगर यहाँ माइनस होता तो उस केस में क्या करते हैं फिर यहाँ प्लस लगाते हैं ब्रैकेट के अंदर माइनस करते हैं, जैसे ही माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे नीचे का साइन ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाएगा, ओके स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 22। नाउ स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है और इस क्वेश्चन में हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, कि 1 + tan a cot a के इक्वल लाना है और 1 + sec a cos a के इक्वल लाना है। एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं एलएचएस, एलएचएस हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। अब देखिए यहां से tan और cot का टर्म है, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, 1 tan a 1 - cot a, ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता जिसमें tan और cot रेसिप्रोकल, तो क्यों ना सबको एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, यहां पे हमारा tan है, ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूं, और ये जगह 1 माइनस cot a को आप क्या ले सकते हैं cot को tan के टर्म में लिखिए, आप दोनों को cot के टर्म में कन्वर्ट कर सकते थे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan, ठीक है, प्लस हमारा क्या हो जाएगा यहां पे cot a, cot a को भी tan के टर्म में लिखे तो 1 अपॉन tan a हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस tan। अब एक सवाल आप पूछेंगे कि सर ये आप बार बार कर क्या रहे हैं, आप कैसे इसको प्रूव कर रहे हैं कैसे, तो इसमें एक बात ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके जितने भी क्वेश्चन बता दिया पहले को समझ कॉपी में कीजिए और फिर इसका प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस करोगे तो चीज आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है, और जब कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है, तो यहां पर टैन ए है, ठीक है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा टैन ए, इसको हम सिंपलीफाई करते हैं टैन ए माइनस वन हो जाएगा और नीचे बच जाएगा हमारा टैन ए, ओके, ऊपर हमारा क्या है, ऊपर हमारा टैन ए ही है प्लस में ये हमारा क्या जाएगा टैन ए को हम लेते हैं कि नीचे तो ये हो जाएगा टैन ए वन माइनस टैन ए, ठीक है, हमारा ये हो जाएगा वन माइनस टैन ए, ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा होगा इस टैन ए को हम अगर ऊपर भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर ए और यहां पे क्या हो जाएगा प्लस और नीचे हो जाएगा टैन ए माइनस वन और यहां पे हो जाएगा वन अपॉन टैन ए और 1 माइनस टैन ए,
अभी मैं प्रीवियस क्वेश्चन ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ टेन ही माइनस वन है, ठीक है, और यहाँ पे वन माइनस टेन है, टर्म दोनों सेम है, अंतर किस चीज का है, अंतर केवल साइन का है, यहाँ टेन माइनस का है तो यहाँ प्लस का है, यहाँ वन माइनस का है तो यहाँ वन प्लस का है, तो यहाँ वन माइनस का है। जब भी आपको साइन रिवर्स करना हो, एक ट्रिक हमने पहले वीडियो में देखा था, आप इसे डायरेक्टली करेंगे, इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, टेन है माइनस वन, सॉरी पिछले क्वेश्चन देखा था, यहाँ पे माइनस का साइन लीजिए, जैसे ही आप यहाँ पे माइनस का साइन लेंगे तो ये आपका उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, टेन ए वन, सॉरी ये भी क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस वन। अब ये कैसे हुआ, इसके पिछले ही क्वेश्चन में इसका मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है, माइनस का अप साइन लेंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, टेन ए माइनस वन, क्योंकि प्लस था तो एक माइनस और यहाँ आ जाता और जो इसमें मल्टीप्लाई होता है माइनस तो प्लस वन को माइनस वन में कन्वर्ट करता और माइनस टेन ए को प्लस टेन में कन्वर्ट करता, ओके, ये इस तरीके से हुआ। अब इन दोनों का एलसीएम लेते, एक टर्म तो कॉमन है टेन ए माइनस वन, टेन ए माइनस वन, दूसरा टर्म हमारा टेन ए है, ऐसे एलसीएम में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ध्यान रखिएगा इसमें फैक्टर्स को हम कॉमन ले लेते हैं, जैसे नीचे एलसीएम में टेन ए माइनस वन है और यहाँ पे टेन ए माइनस वन है, तो ये हमारा हो जाएगा टेन ए माइनस वन और एक और टर्म हमारा बच रहा है टेन ए, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर सिर्फ टेन ए माइनस वन का टर्म था, टेन स्क्वायर ए था और यहां सिर्फ टेन ए माइनस वन का टर्म था, ठीक है, और जबकि नीचे टेन ए भी है तो इसमें से ये टेन ए मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, टेन टू ए, यहां जो टर्म यहां है वही टर्म नीचे भी है, इसमें किसी चीज का मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसमें होगा, ठीक, और क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया। अब यहां पे आपको एलजेब्रा का यूज करना है, ये एक इसको ए क्यू माइनस बी क्यू भी बोल सकते हैं, वन का क्यूब वन ही होता है, एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, यहाँ माइनस है तो पहले हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है, यहाँ माइनस है, इसके बाद सभी टर्म प्लस में हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो सिमिलरली हम इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं, पहला बार ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो पहला हो जाएगा टेन ए माइनस वन हो जाएगा यहाँ पर, और यहां पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, ठीक है, तो टेन ए डॉट वन आपका टेन ए ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे हमारा नीचे क्या है, नीचे अगर हम ध्यान से देखें तो ये है टेन ए और फिर टेन ए माइनस वन, ओके, यहां तक आपको समझ में आया होगा, इससे फायदा क्या होगा, इससे इस टेन ए माइनस वन से ये टेन ए माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या, टेन स्क्वायर ए प्लस वन, अपने सबको हम अलग अलग जेड टर्म में लिखे थे, टेन स्क्वायर अपॉन टेन ए प्लस वन अपॉन टेन, सबको मैं अलग अलग लिख रहा हूं क्योंकि नीचे सिर्फ टेन ए बचा हुआ, प्लस टेन ए अपॉन टेन ए। अब ध्यान से देखिए ये दोनों टर्म तो बिल्कुल सेम है, इसका आंसर आ जाएगा प्लस वन, ये वन अपॉन टेन ए क्या होता है, कॉट ए होता है और टेन स्क्वायर ए नीचे में टेन, तो इससे इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन, तो यहां से क्या आ गया, यही हम प्रूफ करना था, तो ये हमारा सेकंड टर्म प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इससे हमें थर्ड टर्म भी प्रूफ करना है, ओके, तो हम इसके थर्ड टर्म को प्रूफ करने जा रहे हैं, इतना आप नोट कर लीजिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, तो अब मैं इसके थर्ड वाले को भी मैं प्रूफ करने जा रहा हूं, थर्ड वाला आपका इस सेकंड सेकंड वाले से प्रूफ हो जाएगा। सेकंड एक्सप्रेशन हमारा क्या था, देखिएगा ये था हमारा सेकंड एक्सप्रेशन, टेन ए प्लस कॉट ए प्लस वन, टेन ए प्लस कॉट ए प्लस वन। अब सेके कोसेक किसका टर्म होता है, साइन का रेसिप्रोकल और कॉस का रेसिप्रोकल, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, साइन या कॉस में कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा टेन ए साइन ए प्लस कॉस ए हो जाएगा और कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉट ए आपका हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए और प्लस में ये हमारा हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपका ये साइन, अब इसमें से आप वन तो जो आपको चाहिए था वन यहाँ पे भी मिल चुका है, अब इस टर्म में आपको सेके और कोसेक चाहिए, तो यहाँ पर वन को ऐसे ही लिखने दे रहे हैं, इसका हम एलसीएम ले रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस ए साइन ए, ठीक है, और ये साइन ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर है, कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, ठीक है, इस वन को मैं उठा के आगे लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, वन होता है और नीचे क्या आ गया,
कॉस और साइन आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां ध्यान से देखिए, कॉस ऊपर जाएगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, इसका रिवर्स करते हैं, कॉस ऊपर जाएगा तो sec a कन्वर्ट होगा, और साइन ऊपर जाएगा तो cosec a कन्वर्ट। ओके स्टूडेंट, जो हमें प्रूफ करना था वो हमें मार्क 20 लिख लिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, ये आपका 7th और 8th क्वेश्चन है, आप दोनों क्वेश्चन को देखिए, दोनों क्वेश्चन एक जैसे आपको दिख रहे होंगे, दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, एग्जाम में 3 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पैरेलल से पिकअप कीजिए, किधर से पिकअप कीजिए, आपको दोनों साइड के एक्सप्रेशन सेम है, तो cos की पावर 4 a, ठीक है, माइनस cos स्क्वायर a, ओके, यहां से एक टर्म कॉमन ले लीजिए cos स्क्वायर a, तो आपके पास बच क्या जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस 1। अब देखिए कि आपका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a का, cos स्क्वायर a माइनस 1 का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अब यहां से क्या करते हैं कि यहां से हम माइनस टर्म को कॉमन लेते हैं, cos स्क्वायर a डॉट मल्टीप्लाई में हमने माइनस कॉमन लिया, जब यहां पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस कॉमन के सबका साइन रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा। और एक चीज तो अब इस मल्टीप्लाई में से माइनस आगे आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये cos स्क्वायर है, इस cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस को मैं आगे ला रहा हूं, cos स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर क्यों, क्योंकि हमें sin के टर्म में कन्वर्ट करना है, और यहां पे हमारा क्या आ जाएगा माइनस, ये मल्टीप्लाई ये ध्यान रखिएगा, अब ये हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर किस कौन सा टर्म होता है, ये होता है sin स्क्वायर। ओके, तो अब आपको क्या करना है कि यहां sin स्क्वायर a के टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस ही है अंदर, अब यहां पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a माइनस sin की पावर 4a, ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब माइनस का साइन अंदर लाएंगे तो ये प्लस है, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस sin स्क्वायर a, और ये माइनस है तो ये बाहर माइनस का साइन के प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin की पावर 4a। ओके स्टूडेंट, जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, HS इक्वल हो गया, RHS इक्वल हो गया। ओके स्टूडेंट, दिस वीडियो इज सिमिलरली 8 क्वेश्चन भी आपका सिमिलर ही है, स्क्वायर और 4 का आपको करना है कि आप HS ले लीजिए। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कैसे sec स्क्वायर का फॉर्मूला tan स्क्वायर के साथ होता है, तभी आप इसको उस तरीके से प्रूव करेंगे। अगर यहां अगर cot दिया होता तब आप इसको sin cos नहीं कन्वर्ट करते, sin स्क्वायर और cos स्क्वायर का फॉर्मूला साथ में होता है, इसीलिए हमने इसको इस तरीके से प्रूव किया है। बट तो अब यहां देखिएगा, इसमें sec sec की पावर 4 है, यहां से आप sec स्क्वायर a को कॉमन ले, ठीक है, तो यहां पे बचेगा क्या, sec स्क्वायर a माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पावर 4 हो जाएगा। अब 1 sec स्क्वायर a माइनस 1 ये किसका फॉर्मूला होता है, sec स्क्वायर a माइनस 1 अगर आपको मालूम हो तो ये tan स्क्वायर a का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पे sec स्क्वायर a बचा हुआ है, ठीक है, sec स्क्वायर a को सभी को tan में कन्वर्ट करना है, ये तो tan में कन्वर्ट होगा, इसको भी tan में कन्वर्ट कीजिए, 1 plus tan स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, ठीक है, 1 plus, अब इसको इसमें सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a, जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 से और इसमें मल्टीप्लाई होगा पावर 2, पावर 2 ये कितना हो जाएगा tan की पावर 4 a, और जो हमें प्रूव करना था वो हमें प्रूविंग मिल गया, tan की पावर 4 a plus tan स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो यहां लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS और ये हो जाएगा hence true। ओके, और जब नाउ स्टूडेंट यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें अलजेब्रा का थोड़ा सा यूज है, देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये है cos स्क्वायर थीटा, मैं LHS से शुरू करता हूं और मैं थोड़ा सा यहां पर स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा पे क्या क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ओके, प्लस हमारा क्या है sin क्यूब थीटा है और नीचे क्या है sin थीटा माइनस cos थीटा। ओके, और जब हम इसको शुरू करने जा रहे हैं तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये cos इधर चला जाएगा तो cos थीटा माइनस sin थीटा, और यहां नीचे क्या बचेगा cos थीटा, ठीक है, इस cos थीटा में हम ऊपर ले जाएंगे तो cos स्क्वायर थीटा इनटू cos x में कन्वर्ट हो जाएगा cos क्यूब थीटा। सिमिलरली यहां पर हमारा sin क्यूब थीटा, अब माइनस sin थीटा है
माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। अब देखिए यहां पे एलसीएम को फिर ध्यान से देखिए, टर्म दोनों सेम है, साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा, लेकिन इन दोनों टर्म का साइन अपोजिट है, यहाँ साइन माइनस में है तो यहाँ प्लस में है, यहाँ साइन माइनस में है तो सॉरी यहाँ साइन प्लस में है तो यहाँ सॉरी यहाँ कॉस प्लस में है तो यहाँ कॉस माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, अगर आप इसका साइन रिवर्स करते हैं तो एलसीएम में लेने हम एलसीएम आसानी से ले सकते हैं, जब भी आपको साइन रिवर्स करना होता है इसका तो आप यहाँ का साइन रिवर्स कर देते हैं। अब आपको ये डायरेक्ट करना है, ठीक है। आप दो क्वेश्चन में बता चुका हूँ ये कैसे होता है। अब देखिए cos थीटा माइनस sin थीटा, यहां पर sin रिवर्स करेंगे तो cos प्लस में हो जाएगा, sin माइनस में हो जाएगा, इसको मिटा के चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा माइनस sin थीटा, ओके। अब यहां से देखिए, अब डिनोमिनेटर सॉरी डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ गया तो यहां पे हमने वही लिख दिया cos थीटा माइनस sin थीटा, और यहां पर हमारा क्या हो गया, ये जो डिनोमिनेटर सेम था तो ऊपर क्या हो जाएगा cos क्यूब थीटा माइनस sin क्यूब थीटा। अभी मैंने आपको बताया था a क्यूब और b क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अभी मैंने आपको a क्यूब और b क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला बताया था, वो क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है आप लोग ध्यान से देखिएगा, वो होता है यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस पहले ही आ जाएगा cos a माइनस b, ठीक है, पहला पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस ए बी, ठीक है। एक बार माइनस बन गया तो दोबारा प्लस ही लगेगा, ध्यान रखिएगा cos थीटा डॉट sin थीटा, ठीक है। ये तो आपका हो गया, और नीचे आपका क्या बच रहा है, नीचे आपका बच रहा है cos थीटा डॉट cos थीटा माइनस sin थीटा। अब एक चीज आप यहां से देखिए, इस cos थीटा से ये cos थीटा sin थीटा हो जाएगा कैंसिल, यहां पर आपका बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1, और यहां पर इन दोनों का वैल्यू कुल मिला के 1 आ जाएगा, और ये वैसे ही हो जाएगा cos थीटा डॉट sin थीटा, और जो कि आपको प्रूफ करना था, और इक्वल टू क्या लेंगे RHS लिख देंगे, हैंस प्रूफ। ओके स्टूडेंट, पॉज एंड नोट इट। ओके स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, और इस क्वेश्चन में एक खास बात है, इस पहले आप एक ही एंगल पे सॉल्व करते थे, अब आप दो एंगल पे सॉल्व कर रहे हैं, एक एंगल है ए और एक एंगल है बी, तो इसीलिए फॉर्मूला लिखते समय ध्यान रखिएगा कि आप किस एंगल पे फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको ये प्रूफ करना है, अब ये आपको देख के लग तो रहा होगा कितना टफ क्वेश्चन है, लेकिन आप करते जाइए, ये आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये पूरा टर्म कॉस में है और ये पूरा टर्म साइन में, ठीक है, तो आपको केवल साइन और कॉस का टर्म चाहिए, तो यहाँ भी टेन को क्या करते हैं साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम इसको एलएचएस को पिकअप करें, एलएचएस तो ये हमारा क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, टेन ए हमारा होता है साइन ए और कॉस ए के ऊपर, ध्यान रखिएगा एंगल भी एक एंगल है, ठीक है, और ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पूरे पे स्क्वायर, टेन एक्स भी होता है साइन ए और कॉस ए और स्क्वायर पूरे पे स्क्वायर रहता है, ठीक है, माइनस टेन बी, टेन बी जब लिखेंगे तो साइन बी लिखेंगे क्योंकि बी के लिए बात कर रहे हैं, टेन बी क्या होता है साइन बी और कॉस बी और ये पूरे पे स्क्वायर है, ठीक है। अब इस स्टेप को मैं यही कर देता हूं, जब हम इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा और स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है, इस ब्रैकेट को हटा कर, फिर जब यहाँ इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो हमारा स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा, स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा, ओके स्टूडेंट, ये हमारा हो गया। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, ठीक है, तो नीचे तो हमारा वही टर्म आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर बी, अब इसमें ये टर्म मल्टीप्लाई होगा, इसमें ये टर्म मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो पहला आपका टर्म क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी डॉट कॉस स्क्वायर ए, ओके। अब देखिए लेकिन सभी टर्म तो कॉस के टर्म में चाहिए तो हम इसे कॉस के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, साइन स्क्वायर ए को आप क्या ले सकते हैं, बाकी जो तो कॉस है साइन को कॉस में कन्वर्ट कीजिए, तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, यहाँ पे फिर इसको भी कॉस में कन्वर्ट कीजिए क्योंकि सारा टर्म कॉस में चाहिए, तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर बी और ये हो जाएगा डॉट कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब नीचे हमारा क्या है, नीचे सेम टर्म कॉस स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर बी, अब इसे आप सॉल्व कीजिए, पहला ये इसमें मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस इसमें मल्टीप्लाई कीजिए कॉस स्क्वायर ए
डॉट कॉस स्क्वायर डी, ठीक है। फिर अब यहां देखिए माइनस का साइन है, जो भी साइन होगा वो रिवर्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और वन कितना होगा प्लस कॉस स्क्वायर होगा, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो यहां भी आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और यहां पर देखिए कॉस स्क्वायर ए सॉरी ये वन माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, ठीक है। तो ये कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का साइन है माइनस में तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे कॉस स्क्वायर बी डॉट कॉस स्क्वायर ए। और नीचे आपका कौन सा टर्म बच गया, नीचे आपका टर्म बच गया कॉस स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर बी। अब देखिए प्लस में कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, यहाँ माइनस में कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, इससे ये टर्म हमारा पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सॉरी डॉट, ये मल्टीप्लाई में डॉट कॉस स्क्वायर बी। फर्स्ट हमारा प्रूविंग यहाँ पे हो गया, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम सेकेंड प्रूविंग करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसी से हम जा रहे हैं सेकेंड प्रूविंग करने, ठीक है। तो इसको अभी आप कितना कर लीजिएगा नोट, अब इसके बाद हम इसका सेकेंड पार्ट प्रूफ करना था, सेकेंड पार्ट आप इससे भी प्रूफ कर सकते थे और इससे भी कर सकते थे, इससे ज्यादा आसानी होगी अभी हम इसी एक्सप्रेशन से प्रूफ करना। तो कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए, एंगल का आपको ध्यान रखना है। और नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, जब ये माइनस का साइन लगाएंगे तो ये वन हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, माइनस प्लस में ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस में ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर बी, प्लस से ये माइनस से ये साइन चला जाएगा, सॉरी 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 ये इससे कैंसिल होगी, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी है, ये बी है और ए है तो ये दो टर्म कैंसिल नहीं होंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, ये अगर ये यहाँ भी ए होता दोनों एंगल सेम होते तब ये कैंसिल हो सकता था, लेकिन दोनों एंगल क्या डिफरेंट है, तो हमारा आंसर क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस में हमारा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर बी। ओके स्टूडेंट, और फिर हमारा थर्ड पार्ट हो गया, ओके स्टूडेंट पॉज द वीडियो नोट इट नाउ स्टूडेंट, ये आपका आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, और ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले बैच में सभी के स्टूडेंट ने लगभग ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, सिंगल सिंगल, क्योंकि ये क्वेश्चन का जो आपका सॉल्विंग बुक में दिया वो काफी टफ दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ये आपका 12th नंबर है, 12th नंबर पे ये tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 को 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा कन्वर्ट करना है, इसको आप sin थीटा cos थीटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आप चाहे तो sin थीटा और cos थीटा में सबको कन्वर्ट करके भी इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपका एक्सप्रेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक चीज बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन देने को हमें कैसे करना है, ठीक है। तो tan थीटा sec थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, देखिए टर्म तीनों सेम है बस एक जगह माइनस और प्लस का अंतर है, तो हम क्या करते हैं कि एलएचएस को पिकअप करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, और जब यहां पर tan थीटा है प्लस sec थीटा है और माइनस 1 को हम क्या लिखते हैं, माइनस 1 को हम लिख दे रहे हैं देखिए 1, इसको चाहे जैसे लिख सकते हैं, देखिए आप sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, अगर आपको फॉर्मूला ध्यान हो तो क्या होता है sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा को उठा के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू बन जाएगा 1, ठीक है। तो ये 1 का वैल्यू हो जाएगा, सिमिलरली नीचे वाले टर्म को भी सेम करेंगे tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ओके। अब यहां से हमारा पहला टर्म मिल गया tan थीटा प्लस sec थीटा, इसे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, अब ये देखिए a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख दें a प्लस b और दूसरा क्या हो जाएगा a माइनस b sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा नीचे tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ठीक है।
अब यहां पे ये टर्म आ गया, इसके बाद क्या सॉल्व करेंगे हमें sec थीटा प्लस tan थीटा दोनों में कॉमन दिख रहा है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे sec थीटा प्लस tan थीटा। अगर इसको ले लेते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा को ले लेते हैं तो हमारा बचेगा क्या, यहां को कॉमन लेंगे तो यहां पर हमारा बच जाएगा 1, यहां हो जाएगा माइनस, और यहां पे क्या बचेगा ब्रैकेट में sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है ये ब्रैकेट में। अब इस ब्रैकेट को ओपन करना चाहे तो ये प्लस है तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करने पे हमारा ये टर्म आ जाएगा। अब नीचे क्या है, नीचे जो हमारा टर्म था ये बचेगा tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे देखें तो अब ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बच क्या गया sec थीटा अपॉन tan थीटा, sec थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, और tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ठीक है। अब यहां से cos थीटा को कॉमन नीचे एलसीएम ले ले तो बचेगा क्या, यहां नीचे दोनों cos थीटा तो हमें कोई चेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा, ये बच जाएगा 1 + sin थीटा। तो यही हमें प्रूफ करना था, एलएचएस के इक्वल आ गया, एलएचएस आपका आरएचएस के इक्वल आ गया, हेंस प्रूफ। ओके स्टूडेंट, इस वीडियो के आखिरी में इस वीडियो के आखिर में आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन को जैसे फोटो आएगा उसको पॉज करके वो सभी क्वेश्चंस को आपको करने हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, इन सभी को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट वीडियो लाएंगे जिसमें एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करेंगे। ओके।